कोशिश फॉर कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ, मेरा एक नया गाना रिलीज़ हुआ है और साथ साथ में वो आज 20 मिलियन पहुँचा और आज ही रेड इंडीज़ पर इंडी हैं हम लॉन्च हुआ है, जिस शो के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से बॉलीवुड गाने मैंने किए हैं पर मैंने इंडिपेंडेंट गाने भी दिए हैं जो बहुत काफ़ी सुपर हिट रहे हैं। और इंडिया में इंडिपेंडेंट म्यूज़िक यानी जो आर्टिस्ट फिल्मों में नहीं बट अलग से खुद के गाने जो गाते हैं और सुपर हिट होते हैं वो गाने, उन गानों की बात कर रहे हैं, उसको इंडिपेंडेंट म्यूज़िक उस जो इंडिया में ग्रो हो रहा है, तो उनके साथ ये शो है, इंडी हैं हम, तो मैं आई एम वेरी एक्साइटेड। नए नए आर्टिस्ट से मिल रहा हूँ, नए नए लोगों से इंटरेक्शन कर रहा हूँ और वो सुन आप सब सैटरडे संडे को रेड एफ एम पर सुनने वाले हैं और डिजिटल पर देखने वाले हैं। हाँ मैं सालों से जब मैंने म्यूज़िक शुरू किया तभी मैंने इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को सुना, जैसे सिल्क रूट था, जैसे आप देखे कैलाश खेर का एल्बम आया था इंडिपेंडेंट था, सोनू निगम जी का एल्बम आया था पहला इंडिपेंडेंट था, लकी अली का, तो मैंने काफ़ी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को सुन सुन के मैंने इंस्पिरेशन लिया था और मैंने ये सोचा था बचपन में कि मैं भी इंडिपेंडेंट म्यूज़िक करूँगा। बॉलीवुड मैं गाता हूँ वो भी अच्छा लगता है बट इंडिपेंडेंट म्यूज़िक से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है और आज पिछले 5-6 साल से दोस्ता जो रियलिटी शो में था उससे निकल कर भी मैंने काफ़ी इंडिपेंडेंट गाने किए हैं और आगे भी करता रहूँगा, जो ओरिजिनल गाने खुद मैंने कंपोज किए हैं, लिखे हैं, जो फिल्मों के नहीं हैं और फिल्म के म्यूज़िक भी मैं साथ साथ में कर रहा हूँ। आरजे बनना कितना डिफिकल्ट रहा? यार मुझे लगा बड़ा सिंपल है, मुझे लगा कि सिर्फ जा के बात करना है और उतना डिफिकल्ट होगा नहीं, पर जब मैं गया वहाँ पर और पहले फर्स्ट डे पर ही मुझे पता चला कि भाई इट इज़ बहुत ज़्यादा, अपने को इजी लगता है कि बात करनी है बट बहुत ज़्यादा एनर्जी जाती है क्योंकि आप पूरी एनर्जी से हे व्हाट्सअप इस एनर्जी से बात कर रहे हैं नॉन स्टॉप। सो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जब मैं कॉन्सर्ट में जाता हूँ 25-30 हज़ार लोगों के सामने जब मैं परफॉर्म करता हूँ दो घंटे के लिए, तो उससे कहीं ज़्यादा एनर्जी मेरी आरजे बनने में लग गई है। मैं स्विच नहीं हुआ, मैं एक और चीज़ मैंने ऐड की है, तो मैं कम्प्लीटली म्यूजिक छोड़ के आरजे बन गया ऐसा नहीं है, मैं मेरा म्यूजिक तो कर ही रहा हूँ बट साथ साथ में मुझे लगा कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्योंकि मैं एक छोटे शहर से आया, बहुत सारे लोगों ने मुझे ऑडियंस ने सपोर्ट किया और मुझे मैं जो हूँ वो मुझे बनाया, तो मुझे लगता है कि अब मुझे भी जो अलग अलग छोटी छोटी जगहों पर आर्टिस्ट हैं जिनका म्यूज़िक मुझे अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि ऑडियंस तक पहुंचना चाहिए, तो एक छोटा सा स्टेप रेड एफएम का मेरा सबका मिला के हमने एक छोटा सा स्टेप लिया है। हमने आपके स्ट्रगलिंग के डेज भी देखे हैं और जो आप इंटरव्यूज कर रहे हैं जी, उनसे आपने क्या सीखा, क्या लर्निंग एक्सपीरियंस था? जैसे आपने कहा कि एक यूट्यूब चैनल के 6000 सब्सक्राइबर थे लेकिन उनका म्यूज़िक बहुत अच्छा था। सर 6000 सब्सक्राइबर भी नहीं थे, व्यूज थे सर। हाँ तो सर आपने क्या सीखा इन जो ओरिजिनल आर्टिस्ट का? मैं यार उनसे एक तो चीज़ द पैशन, मुझे कीप्स माय पैशन अलाइव, मैं जब उनको देखता हूँ कि उतने मन से, क्योंकि एक टाइम पर हर आर्टिस्ट शुरू व्हेन आई स्टार्टेड आई मुझे मेरे अंदर भी वो आग थी कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ वो वाला, अब तो अचीव किया है तो अब गोल्स अलग रहते हैं कि अब यार हर बार जो लास्ट गाना दिया उससे कहीं ज़्यादा बेटर गाना नेक्स्ट गाना करना है, तो वो आग मुझे देखने को मिली और बहुत सारी चीज़ें उनका म्यूज़िक सुनने को मिला, एक्सप्लोर करने को एज एन आर्टिस्ट उनकी स्ट्रगल क्या रही वो मुझे काफ़ी उन्होंने इंस्पायर की, जो इस शो में आप सब देखेंगे कि अलग अलग आर्टिस्ट की खुद की अपनी एक कहानी होती है हर गाने के पीछे, वो शेयर होने वाली है। सर मेरा फोकस हमेशा इट्स गोइंग टू बी म्यूज़िक, आरजे के अंदर भी आप देखो मैं कहीं से म्यूज़िक तो लेके ही आया हूँ, सो इट ऑलवेज म्यूज़िक, पर मैं जहाँ किसी भी आर्टिस्ट को अगर मेरे से 1% का भी फ़ायदा होगा या होता है तो मैं 100% ये करूँगा। सो आरजे बन के अगर मेरे थ्रू किसी भी आर्टिस्ट, छोटा आर्टिस्ट बड़ा आर्टिस्ट, इसको 1% का भी फायदा होता है तो आई विल डू दैट। 93.5 FM में देखा। सर मैं सोचा ही नहीं था, व्यूज़ तो बहुत सारे गानों के आते हैं पर गाना पिछले 6 दिन से ऑल ओवर इंडिया में ट्रेंड कर रहा है और मैं गुजराती हूँ और इसके अंदर गाना थोड़ा पंजाबी टच है और हमने शूट बनारस में किया है तो काफ़ी डाइवर्सिटी है, तो मैं नर्वस था और हर गाने के पहले नर्वस रहता हूँ क्योंकि ये जब मैं ओरिजिनल गाना करता हूँ तो फिल्म का गाना नहीं है, कोई बड़ा हीरो इसके अंदर नहीं है या कोई बड़ा प्रोड्यूसर नहीं है, आर्टिस्ट खुद करता है, तो बहुत मैं हमेशा नर्वस रहता हूँ बट ऑडियंस ने हर गाने को, मेरे हर गाने को, चाहे वो फिल्म का छोगाड़ा कमरिया हो या तेरा जिक्र हो या हवा बन के हो, हर गाना सपोर्ट किया है, उसको सुपर हिट बनाया, तो मेरा क्रेडिट इसमें कुछ नहीं है, मेरा सिर्फ गाना बनाने का क्रेडिट है, सुपर हिट करने वाले जो लोग मुझे देख रहे हैं मुझे सुनते हैं उनका पूरा क्रेडिट उनका है। बूहे बारियां ते नाले कंधा टपके
तू आ जा भी हवा बन के बूहे बारियां है बूहे बारियां है बूहे बारियां। सर एक मैं और इस साल एक और इंडिपेंडेंट गाना करने वाला हूँ, कुछ बॉलीवुड के गाने भी हैं पर वो इस साल नहीं रहेंगे, वो 2020 में रहेंगे। सो इस साल एक और इंडिपेंडेंट गाना होने वाला है। वेलकम वेलकम, थैंक यू थैंक यू। Oh.